हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन नहारी। तो उसके लिए फर्स्ट हमने यहाँ पर भून लेना है गेहूं का आटा, व्हीट फ्लार। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच व्हीट फ्लार के लिए है, उसको हमने सुनहरा होने तक हमने इसको भून लेना है। फिर यहाँ पर मैंने लिए थे 3 से 4 प्याज, उसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था और इसको हमने साइड में रख लिया था। तो अब हमने जो हमारा गेहूं का आटा है उसको हम एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसको हम रख लेंगे एक साइड पे। हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन होगी प्रेशर कुकर में हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल लिए थे। इसमें हमने ऐड कर लेना है मटन। मटन यहाँ पर मैं हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ। इसमें हमने ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऐड कर लेना है निहारी मसाला। यहाँ पर मैं निहारी मसाला शान का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी निहारी मसाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर पे प्रीपेड निहारी मसाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी और फिर यहाँ पर हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। प्याज और दही को मिला के हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए थे 3 बड़े चम्मच दही के और फिर इसका एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे और ये सारा पेस्ट हमने ऐड कर लेना है मटन में। मटन में हम ये सारा पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको भी हमने हल्का सा भून लेना है और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी और फिर हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा जो मीट है, जो मटन है, वो अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया था और फिर इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे 3 से 4 विजल्स के लिए, जो कि हमारा मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर लिया था। जैसे ही हमारा मटन प्रेशर कुक होके तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा उसका जो ऊपर है वो ऑयल आ चुका है। आप चाहो तो इस ऑयल को सेपरेट करके भी रख सकते हो। सर्विंग के टाइम आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। इसको तरी भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मटन बहुत अच्छी तरह से हमारा कुक हो चुका है। बहुत सॉफ्ट और टेंडर हमारा मटन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी और थोड़ा पानी और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे जो पेस्ट हमने स्लरी बना के रखी थी व्हीट फ्लार की, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने स्लरी को ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। थिकनेस देखकर हम इसमें आटा ऐड करेंगे, यानी कि जो हमने व्हीट फ्लार की स्लरी बनाई थी वो हम थिकनेस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैं स्क्वीज़ कर लूँगी 1/2 लेमन। इसको हम लो टू मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रख देंगे। जो हमने आटा इसमें ऐड किया था और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से हमने उसको कुक कर लेना है। और फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे चॉप की हुई कोथमीर और पुदीना और फिर यहाँ पर हम 1 और चम्मच ऐड कर लेंगे निहारी मसाला का, ताकि जो उसकी स्मेल है, जो खुशबू होती है निहारी मसाले की, वो अच्छी तरह से हमारे जो करी है उसमें आ जाए। फिर हमने इसमें ऐड कर लिया था 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और फिर हमने इसको कुक कर लिया था और फिर हमने इसको सर्व कर लेना है। बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस निहारी बन के तैयार होती है। इसको आप नान के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरह से हमने जो तरी साइड में निकाल के रखी थी वो सर्विंग के टाइम हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गार्निश कर लेंगे कोथमीर के साथ और फ्राई की हुई अनियन के साथ। बहुत कमाल के लगती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।